Hi, good afternoon everyone. This is Dr. Mayanka here, nephrology consultant at Healing Hospital. Thank you so much for joining my live session. Aaj ka mera topic hai how to maintain a normal blood pressure. So this topic is very close to my heart and hypertension mein mera special interest hai. I think agar we spread enough general awareness amongst everybody about importance of maintaining a normal blood pressure, हम अपनी लाइफ को बहुत बदल सकते हैं. पहले मैं आपको थोड़ा बहुत बताना चाहती हूँ कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है, एंड देन वी विल फोकस ऑन व्हाई आर वी सो कंसर्न्ड अबाउट इट. सो नॉर्मल ब्लड प्रेशर यूजुअली अगर हम ब्लड प्रेशर मेजर करें, इफ इट इज लेस देन 120 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, जो लेस देन 80 होता है, दैट इज अ नॉर्मल ब्लड प्रेशर. So again, why is it so important? Itna emphasis क्यों होता है blood pressure पे? So blood pressure अगर elevated रहता है, number one, majority of the patients, they are asymptomatic. So it's a silent killer. So अगर आपका blood pressure high है, usually लोगों को लगता है कि मुझे कोई symptom होगा तो ही मैं doctor के पास जाऊँ, तो ही अपना blood pressure check कराऊँ. But that's not correct, because काफी सारे लोग, in fact I would say more than 90% of patients, they don't have any symptoms with high blood pressure. और मैं commonly अपने clinic में ऐसे patients देखती हूँ जिनका blood pressure 180, 200 systolic है, and they just come here and they are asymptomatic. They have no idea कि उनका blood pressure इतना high है. So इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रूटीनली अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं. यू नो, इफ यू हैव अ ब्लड प्रेशर मॉनिटर एट होम, या आपके आसपास कोई भी हेल्थ केयर सेटअप है जहां पे ब्लड प्रेशर मॉनिटर है, सो रूटीनली यू शुड गेट योर ब्लड प्रेशर चेक्ड. अब हम आते हैं यू नो व्हाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर. सो जो हाई ब्लड प्रेशर है उससे बहुत सारे डिजीजेस का पैथोजेनेसिस है. सो यू नो, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर से हार्ट डिजीज होता है, किडनी डिजीज होता है, बेसिकली कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज होते हैं. सो यू कैन इमेजिन अगर कोई आपकी जो वेसल है इट इज यूज टू ब्लड प्रेशर ऑफ 120/70 और 120/80, और उसी में आप ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, it leads to several changes in those vessels as well as changes in organs. So जो heart है उसके अंदर हम left ventricular hypertrophy देखते हैं. जो हमारी heart की muscle है that becomes enlarged because of high blood pressure. Again, जो risk of stroke होता है, heart attack होता है, that goes up high if your blood pressure is high over a prolonged period of time. Not only this, high blood pressure से kidney damage भी हो जाता है. Again, all these changes occur over a period of years altogether अगर आपका blood pressure long term uncontrolled रहता है. So अगर आपका blood pressure 20 point भी normal से elevated रहता है, that doubles your risk for stroke. So, ये बहुत ही बड़ा प्रिवेंटेबल रिस्क फैक्टर है फॉर दिस मेजर कोमॉर्बिडिटी, जो मुझे लगता है कि हमारे पास बहुत अच्छी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, प्रोवाइडेड वी डायग्नोज द पेशेंट्स अर्ली ऑन एंड ट्रीट देम सो दैट उनको ये कॉम्प्लिकेशंस ना डेवलप हों. सो अब हम बात करते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कैसे मेंटेन किया जाए. सो आई विल फोकस ऑन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस फर्स्ट, बिकॉज मेडिकेशंस अपार्ट, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस किसी भी डिजीज मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है. और अगर आप ये सब चेंजेस अपनी लाइफ में ले आए, सो आई थिंक उससे आपका ओवरऑल हार्ट की हेल्थ, किडनी की हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, एंड यू विल बी एबल टू मेंटेन अ गुड ब्लड प्रेशर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक हेल्दी वेट मेंटेन करना बहुत जरूरी है. सो पेशेंट्स जो ओबीज होते हैं और दोज हु आर ओवरवेट, दे आर एट हायर रिस्क फॉर डेवलपिंग हाई ब्लड प्रेशर. सो जो एक हेल्दी बीएमआई होता है बिटवीन 18.5 टू 24.5,
आई थिंक यू शुड एम फॉर दैट. और अगर आपको पता है कि आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई देखा गया है, देन यू नो यू कैन वर्क टूवर्ड्स रिड्यूसिंग योर वेट, विच विल हेल्प रिड्यूस योर ब्लड प्रेशर एज वेल. सेकेंडली यू नो हैविंग अ गुड डाइट. सो गुड डाइट में देखा गया है कि अगर आप लो फैट डाइट लें, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स लें, एंड इन एडिशन टू दैट यू कंज्यूम अ डाइट विच इज़ वेरी रिच इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. सो मैं ये चीज़ एम्फसाइज करना चाहती हूँ कि यू नो एटलीस्ट कंज्यूमिंग 3 to 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट ये देखा गया है कि अगर आप हाई पोटेशियम कंज्यूम करते हैं, जो कि इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में होता है, दैट लॉन्ग टर्म लीड्स टू रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर. सो एक हेल्दी डाइट कंज्यूम करना ज़रूरी है एंड उसके अंदर नमक कम रखना ज़रूरी है. सो यू नो जो सॉल्ट इनटेक है वो आई वुड सजेस्ट कि आपको पूरे दिन में जितनी कम हो सके उतनी कम रखनी चाहिए. सो जो रिकमेंडेशन है दैट इज यू शुड कंज्यूम लेस देन यू नो 2.3 to 2.4 ग्राम ऑफ सॉल्ट पर डे, विच इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू अ स्मॉल लेवल टीस्पून. सो जो भी प्रोसेस्ड खाना होता है दैट हैज लॉट ऑफ सोडियम इन इट. सो यू नो एनीथिंग दैट कम्स इन अ पैकेट, मेक श्योर यू चेक द लेबल एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि काफ़ी सारे फूड्स के अंदर बहुत हाई सोडियम होता है विच वी यू नो कंज्यूम रेगुलरली विदाउट इवन नोटिसिंग. सो घर पे खाना बनाएं, अवॉइड कंज्यूमिंग आउटसाइड फूड बिकॉज टिपिकली जो बाहर का खाना होता है उसमें यू नो दे एड ऑन यू नो सॉल्ट एंड यू नो सॉल्ट दे एड ऑन लॉट ऑफ सॉल्ट ताकि उसका टेस्ट बढ़ जाए, बट दैट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. देन नेक्स्ट थिंग इज एक्सरसाइज. सो आपको रेगुलरली यू नो एरोबिक एक्सरसाइज में इन्वॉल्व करना चाहिए, लाइक यू नो ब्रिस्क वॉकिंग एटलीस्ट आधा घंटा हर रोज. सो दैट वुड हेल्प अ लॉट. एंड अपने स्केड्यूल में नो मैटर हाउ बिजी यू आर यू शुड यू नो टेक सम टाइम टू एक्सरसाइज एज वेल. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं दैट कैन ऑल्सो लीड टू हाइपरटेंशन. सो फॉर मेन टिपिकली हम कहते हैं कि 2 जो ड्रिंक्स होती हैं उससे ज़्यादा एक दिन में नहीं लेना चाहिए. एंड फॉर फीमेल्स और दोज हु आर अंडर वेट उनको 1 ड्रिंक से ज़्यादा एक दिन में नहीं लेनी चाहिए. सो यू नो विद ऑल दीज लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस यू कैन इम्प्रूव योर हेल्थ एंड मेंटेन अ नॉर्मल ब्लड प्रेशर. सो आई विल कम टू दिस डिस्कशन अगेन. आई एम गोइंग टू टेक फ्यू लाइव क्वेश्चंस नाउ. सो फर्स्ट क्वेश्चन है रमनप्रीत से. हाई रमनप्रीत, आपने एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर हाइपरटेंशन इन सीकेडी. सो वेरी नाइस क्वेश्चन. सो जिन जो भी पेशेंट्स क्रॉनिक किडनी डिजीज से सफ़र करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये एम्फोसाइज करना चाहती हूँ कि इन पेशेंट्स के अंदर हाइपरटेंशन ज़्यादा देखा गया है. सो किडनीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन यू नो मैनेजिंग योर ब्लड प्रेशर. किडनी से हम सॉल्ट एंड वाटर एक्सक्रीट करते हैं. देर आर लॉट ऑफ हार्मोन सेक्रीटेड इन द किडनी विच हेल्प अस मेंटेन अ नॉर्मल ब्लड प्रेशर. सो जब भी क्रॉनिक किडनी डिजीज होता है दोज पेशेंट्स कॉमनली डेवलप हाइपरटेंशन एंड इट इज ट्रू द अदर वे अराउंड. सो दोज हु हैव हाइपरटेंशन दे ऑल्सो डेवलप क्रॉनिक किडनी डिजीज. सो दीज टू प्रोसेसेस आर इंटरलिंक्ड. बट रिगार्डलेस इन पेशेंट्स के अंदर हाइपरटेंशन कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, नॉट जस्ट फॉर योर फॉर द किडनी हेल्थ बट ऑल्सो इम्प्रूव यू नो द कार्डियोवैस्कुलर आउटकम्स. क्योंकि जो पेशेंट्स किडनी डिजीज से सफर करते हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर ब्लड प्रेशर दे आर स्टिल एट हायर रिस्क फॉर हार्ट अटैक स्ट्रोक. तो ये यू नो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कंट्रोल करनी चाहिए. सो जो फर्स्ट लाइन मेडिकेशंस टिपिकली हम प्रिस्क्राइब करते हैं दैट इज एस इनहिबिटर और आर, स्पेशली उन पेशेंट्स में जिनमें प्रोटीन लीक भी है अलॉन्ग विद क्रॉनिक किडनी डिजीज. सो जो ये एस इनहिबिटर और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं यू नो दिस इज द ग्रुप ऑफ मेडिकेशंस विच हेल्प्स कंट्रोल ब्लड प्रेशर. और बहुत सारी स्टडीज में इट हैज शोन कि अगर प्रोटीन यूरिक क्रॉनिक किडनी डिजीज में इसे यूज किया जाए
सो ओवरऑल जो प्रोग्रेशन होती है और डिट्यूरिएशन ऑफ किडनी फंक्शन दैट गोज डाउन, एज वेल एज इससे कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी बेनिफिट भी देखा गया है. जो एस इनहिबिटर और आर्ब हैं दे प्रिवेंट कार्डियक रीमॉडलिंग, यानी कि जो मैं पहले मेंशन कर रही थी कि हार्ट के अंदर जो चेंजेस होते हैं फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर, दीज मेडिकेशंस आल्सो स्टॉप दैट. सो दैट इज ऑलवेज माय यू नो फर्स्ट लाइन मेडिकेशंस अगर कोई भी पेशेंट क्रॉनिक किडनी डिजीज से सफर कर रहा है. बट यू नो सम ऑफ दीज पेशेंट्स दे हैव यू नो हाई पोटेशियम लेवल इन द ब्लड. सो ये जो एस इनहिबिटर और आर्ब्स हैं दे ऑल्सो लीड टू हाई पोटेशियम, लाइक हाइपरकलीमिया इज वन ऑफ देयर साइड इफेक्ट्स. सो इफ दैट इज द केस तो देन आई गो फॉर ऑल्टरनेटिव मेडिकेशंस इन देम. सो नाउ आई एम गोइंग टू गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो रश्मि ने पूछा है, हेलो रश्मि, कि मैं नेबिकार्ड एसएम लेती हूँ. ओके एंड शी इज 50 years old एंड शी वॉज डायग्नोज विथ हाइपर टेंशन 6 months ago. सो इट्स अ वेरी गुड मेडिकेशन. सो आई वुड जस्ट लाइक टू एम्फसाइज कि आप जो मेडिसिन ले रहे हैं आपको रूटीनली घर पे ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए. सो यू नो इफ यू आर डायग्नोज विथ हाइपर टेंशन एंड यू आर टेकिंग मेडिकेशंस, ये देखा गया है स्टडीज में जो पेशेंट्स घर पे ब्लड प्रेशर चेक करते हैं दे आर मोर कंप्लायंट विद देयर मेडिकेशंस. बिकॉज यू नो वन इज यू डायग्नोज ब्लड प्रेशर एंड सेकेंड थिंग इज यू आर एबल टू कंट्रोल इट. तो मैं यू नो रूटीनली ऐसे बहुत पेशेंट्स देखती हूँ जो जिनको देव बीन डायग्नोज विद हाइपर टेंशन बट उनको उसकी सेवेरिटी नहीं पता एंड दे आर नॉट टेकिंग द मेडिकेशंस एज प्रिस्क्राइब, यू नो दे मिस देयर मेडिकेशंस. सो जो हाइपर टेंशन है अनफॉर्चुनेटली यू नो हमारे पास इसका कोई क्योर नहीं है. देर आर फ्यू केसेस जिसमें हम क्योर कर सकते हैं इफ वी आर एबल, इफ यू नो दे आर सफरिंग फ्रॉम सेकेंडरी हाइपर टेंशन जो विच इज अ सेपरेट टॉपिक, बट इसको हमें कंट्रोल में रखना पड़ता है. सो इन ऑर्डर टू कंट्रोल इट यू नीड टू टेक योर मेडिकेशंस एवरी डे रेगुलरली. दैट इज द ओनली वे यू कैन कंट्रोल इट. सो यू नो मेडिकेशंस को प्रॉपरली लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू विल बी सरप्राइज कि कितनी बार मैं पेशेंट से जब पूछती हूँ कि आप कौन सी मेडिसिन लेते हैं दे वुड जस्ट से दैट यू नो दे प्रिस्क्रिप्शन खत्म हो गई, दे डिड नॉट यू नो गो एंड रीफिल देयर प्रिस्क्रिप्शन एंड दे आर नॉट टेकिंग वॉट एवर इज प्रिस्क्राइब बाई दी डॉक्टर. सो मेडिकेशन को रेगुलरली लेना जरूरी है एंड सेकेंडली यू नीड टू चेक योर ब्लड प्रेशर एट होम एंड चार्ट इट स्पेशली वेन यू आर गोइंग टू विजिट द डॉक्टर. तो मैं सबको यही सजेस्ट करती हूँ कि आप घर पे अपना ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक करें. सो इट लीड्स टू टू थिंग्स. नंबर वन, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है कि नहीं है एंड सेकेंडली यू विल बी एबल टू यू नो रिमेम्बर टू टेक द मेडिकेशंस बिकॉज एज आई सेड दिस इज एन एसिम्प्टोमेटिक डिजीज इन मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट्स. सो इफ यू आर नॉट चेकिंग द ब्लड प्रेशर यू विल नॉट नो यू नो इफ इट इज कंट्रोल्ड और नॉट और मे बी यू आर नॉट कंट्रोल्ड यू नो इवन इफ यू आर टेकिंग द मेडिकेशन. सो फॉर रश्मि दिस इज माई एडवाइस टू यू. अब आई एम गोइंग टू टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये आया है जस्सी से. सो शी इज आस्किंग वॉट आर द साइंस ऑफ यू नो किडनी डिसफंक्शन. सो जो किडनी डिसफंक्शन है यू नो इन इनिशियल स्टेजेस व्हेन योर क्रिएटिनिन राइजेस और योर लीकिंग प्रोटीन इन द यूरिन. सो इनिशियल स्टेजेस में यू मे नॉट हैव एनी सिम्टम्स. सो यू नो अनलेस योर किडनी डिजीज इज वेरी एडवांस्ड यू वोंट डेवलप एनी सिम्टम्स. सो इसीलिए मैं सजेस्ट करती हूँ सबको कि आपका यू नो इवन इफ यू डोंट हैव एनी रिस्क फैक्टर्स और यू हैव अ नॉर्मल किडनी फंक्शन बेस्ड ऑन लैब वर्क, यू शुड स्टिल गेट रूटीन स्क्रीनिंग डन वंस अ ईयर एटलीस्ट टू फाइंड आउट वॉट इज योर किडनी फंक्शन लाइक. सो उसका फायदा ये होता है कि अगर भी हमें थोड़ा सा भी रीनल डिसफंक्शन इफ वी फाइंड आउट अबाउट दैट अर्ली ऑन वी कैन डू अ लॉट टू फिक्स इट टू रिवर्स इट एंड प्रिवेंट योर किडनी डिजीज फ्रॉम प्रोग्रेशन.
On the other hand, जिस स्टेज तक स्टेजेस सिम्टम्स आते हैं, विच इज वेरी एडवांस स्टेज ऑफ सीकेडी स्टेज 5, यानी कि जब आपकी किडनी की फंक्शनिंग कैपेसिटी इज लेस देन 15%, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू मे और मे नॉट डेवलप सिम्टम्स. सो जिस टाइम पे आप सिम्टम्स डेवलप कर लेते हैं, उस टाइम पे यूजली वी स्टेट स्टार्ट पेशेंट्स ऑन डायलिसिस. सो जो टिपिकल सिम्टम्स होते हैं एट एडवांस स्टेजेस ऑफ सी के डी, दोज कुड बी अ नंबर ऑफ थिंग्स. यू कुड हैव नॉजिया, वॉमिटिंग, सम पेशेंट्स कंप्लेन कि उनके मुंह में मेटालिक टेस्ट है, इंक्रीज सॉम्नोलेंस, पेशेंट सारा दिन सोया रहता है, दे आर नॉट एबल टू गेट अप टू डू देयर एक्टिविटी, देयर एपेटाइट इज रिड्यूस्ड, एट टाइम्स दे हैव जनरलाइज स्वेलिंग, some patients complain of generalized itching all over the body. So ye sab symptoms hain of advanced kidney disease. And as I said, by the time you develop all these symptoms, that means that toxin aapki body mein itna zyada bhar chuka hai, jo normally kidneys remove karti hain, that we have to start you on dialysis or go for kidney transplant. So, you should get your kidney function checked regularly. Next question, मुझे पूछा है Mr. Rahul Kumar ने. So, he is asking how to prevent recurrent kidney stones. So, जो kidney stones है, उनको prevent करना is very important because as you all know कि एक बार kidney stone हो जाता है, it is very painful. किडनी स्टोन की पेन लाइक मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट्स दे डिस्क्राइब इट एज बीइंग द वर्स्ट पेन ऑफ देयर लाइफ. किडनी स्टोन से अगर बार बार आपकी किडनी ऑब्स्ट्रक्ट होती है, दैट लीड्स टू किडनी डैमेज एज वेल, और कई बार आपको ऑपरेशन करवाना पड़ता है किडनी स्टोन के लिए. सो इफ यू सफर्ड फ्रॉम किडनी स्टोन, देयर इज अ लॉट यू कैन डू टू प्रिवेंट यू फ्रॉम हैविंग अ किडनी स्टोन. So, सबसे ज़्यादा foremost is to drink a lot of water. So, at least 3 liters a day. और अगर if you're sweating a lot, like अभी hot weather है, or you're working outside where you would lose a lot of amount of water in sweat, then you need to drink water in addition to those 3 liters. So, इतना पानी पीने से ये होगा कि आपका urine जो है, that gets diluted. सो डाइल्यूट यूरिन के अंदर स्टोन बनने की टेंडेंसी बहुत कम होती है. आई वुड गिव यू एन एग्जाम्पल, इफ यू आर मेकिंग लेमनेड, सो अगर पानी कम है एंड यू ट्राई टू डिजोल्व शुगर ग्रैन्यूल्स इन इट, इट इज टफ टू डिजोल्व शुगर ग्रैन्यूल्स. बट वही अगर पानी का अमाउंट ज्यादा है, देन यू कैन डिजोल्व द शुगर ग्रैन्यूल्स ईजिली. सो क्रिस्टलाइजेशन और स्टोन फॉर्मेशन हैपन्स इन अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन. सो यूरिन को हर समय डाइल्यूट रखना जरूरी है, जिसके लिए यू शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरवेंशन यू कैन डू फॉर योर सेल्फ. सेकेंड थिंग, कंज्यूम अ लो सॉल्ट डाइट. सो जो मेजोरिटी ऑफ द स्टोन्स होते हैं, आई वुड से 80-90%, दे आर कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स. सो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स टिपिकली उन लोगों के बनते हैं जिनके यूरिन के अंदर कैल्शियम ज्यादा होता है, ऑक्सलेट ज्यादा होता है. सो इफ यू आर कंज्यूमिंग अ वेरी हाई सॉल्ट डाइट, तो आपके यूरिन के अंदर कैल्शियम एक्सक्रीशन हाई होती है, एंड देन दैट लीड्स टू कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन फॉर्मेशन. सो इफ यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्टोन यू आर सफरिंग फ्रॉम, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन. सो लो सॉल्ट डाइट हेल्प्स अ लॉट. सो ये दोनों बहुत बड़ी इंटरवेंशन है, विच हैज शोन इन सेवरल स्टडीज कंसिस्टेंटली दैट दे प्रिवेंट रेकरेंट स्टोन्स. उसके अलावा और भी इंटरवेंशन हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं लेमन वाटर लो, डू नॉट कंज्यूम एनी कैल्शियम वाइटामिन डी और वाइटामिन सी सप्लीमेंट्स, एंड कंज्यूम लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सलेट इन योर डाइट, कम एनिमल प्रोटीन. But the other interventions are not as efficacious as high fluid intake and low salt intake. So, मैं उसी पे emphasize करना चाहूँगी. बाकी if you are suffering from recurrent or kidney stones, बार-बार stones बन रहे हैं, so typically मैं patients का 24-hour urine analysis करवाती हूँ to see what risk factors they have for stone formation, जिसके अंदर हम check करते हैं calcium, oxalate,
सोडियम कितना होता है, यूरिक एसिड कितना है, सिट्रेट कितना है, एंड यू नो सेवरल अदर पैरामीटर्स. एंड बेस्ड ऑन दैट देर आर सर्टेन मेडिकेशंस विच वी कैन गिव टू प्रिवेंट यू फ्रॉम हैविंग स्टोन्स. अगर कैल्शियम ज़्यादा है देन वी गिव अ थायज़ाइड टाइप डायुरेटिक, अगर सिट्रेट कम है देन वी गिव यू अ मेडिकेशन फॉर दैट. सो देर इज़ अ लॉट दैट वी कैन डू टू प्रिवेंट किडनी स्टोन फॉर्मेशन. सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रही हूँ विकास से. इज कैन वी क्योर ब्लड प्रेशर विदाउट मेडिकेशन? सो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. सी जब भी इनिशियली हाइपरटेंशन डायग्नोज होता है, सो देर आर यू नो स्टेजेस ऑफ हाइपरटेंशन. सो एज आई सेड नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज लेस देन 120/80. अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 129/120 है और डायस्टोलिक लेस देन 80 है, देन यू फॉल इन द कैटेगरी ऑफ एलिवेटेड ब्लड प्रेशर. Then if it is more than that, then you can be stage 1 hypertension, stage 2 hypertension. So initially, you know, if you are in the elevated blood pressure range or stage 1 hypertension, you know, we always give a trial of lifestyle modifications. So maine abhi discuss kiya hai, you know, we do give patient few weeks ki aap apne maximum lifestyle modifications kare, ki weight reduce kare. कंज्यूम अ हेल्दी डाइट, यू नो सॉल्ट कम करें डाइट में, अगर अल्कोहल कंजप्शन एक्सेसिव है तो वो कम करें. एंड यू नो इफ डिस्पाइट दैट, ये जो सारी इंटरवेंशंस है, यू नो दे कैन रिड्यूस द ब्लड प्रेशर बाय माइनर अमाउंट, बट बहुत मेजर डिफरेंस नहीं होता. कि अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से 20 या 30 mm मरकरी ज़्यादा है, in that case the lifestyle modification alone doesn't work. In that case hame antihypertensive medication shuru karni hi padti hai. So again there are certain conditions jo maine pehle bhi briefly touch upon kiya tha, secondary hypertension jiske andar hum hypertension ko cure kar sakte hain. So you know when I was in US, तो मैं यू नो स्पेशलिटी हाइपरटेंशन क्लिनिक में काम कर रही थी. सो वी यूज टू गेट रेफरल्स फ्रॉम पेशेंट्स, यू नो हु यूज टू ट्रैवल लाइक लॉट ऑफ डिस्टेंस. जैसे दे यूज टू ड्राइव 4-5 hours टू कम टू दिस स्पेशलिटी क्लिनिक. सो इसमें मैंने काफ़ी ऐसे पेशेंट्स देखे हैं, स्पेशली यू नो जो यंग पेशेंट्स होते हैं हु आर डायग्नोज विद हाइपरटेंशन, दोज हु आर लेस देन 18 ईयर्स ओल्ड. उनके अंदर वी डू अ मोर डिटेल्ड वर्कअप टू सी वाई आर दे हाइपरटेंसिव एट सच अ यंग एज. सो देर आर सर्टेन कंडीशंस जिसके अंदर यू कैन क्योर हाइपरटेंशन, जैसे प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म, जिसके अंदर अगर हम यू नो आफ्टर प्रॉपर वर्कअप इफ पेशेंट इज डायग्नोज विद दैट, इफ वी रिमूव वन एड्रीनल ग्लैंड देन यू नो दे गेट क्योर्ड ऑफ हाइपरटेंशन. द अदर थिंग बीइंग फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया, जिसके अंदर आपकी वेसल्स जो किडनीज को सप्लाई कर रही हैं, इफ दोज आर नैरोड एंड दैट इज द कॉज ऑफ हाइपरटेंशन, इफ वी फिक्स दैट देन यू नो जैसे पेशेंट पहले यू नो 10 मेडिकेशन ले रहा है, सम ऑफ देम यूज टू टेक लाइक यू नो 6-7 मेडिकेशंस एंड डिस्पाइट दैट देयर ब्लड प्रेशर वॉज इन कंट्रोल एंड पोस्ट दीज इंटरवेंशंस हाइपरटेंशन क्योर हो गई. बट अगेन मैं यही बताना चाहूँगी कि ये जो केसेस हैं दीज आर वेरी रेयर, यू नो विच इफ यू आर सीइंग लाइक 100 पेशेंट्स तो उसमें से 1-2 निकलेंगे जिनको ऐसी कंडीशन होंगी. मेजॉरिटी ऑफ देम दे हैव एसेंशियल हाइपरटेंशन और उसमें यू नो द ट्रीटमेंट वुड बी फोकस्ड ऑन मेडिकेशंस एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस. अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगी मिस्टर पुनीश अहूजा से. सो ही इज आस्किंग दैट हर मदर इज टेकिंग हिज मदर इज टेकिंग टेलमा एएम 40 फॉर ब्लड प्रेशर. सो इट्स अ वेरी गुड मेडिकेशन. सो दैट हैज टेलमीसार्टिन जो कि आर्ग है और अम्लोडिपीन है. सो बोथ ऑफ देम आर वेरी गुड मेडिकेशन. दीज टू आर द फर्स्ट लाइन मेडिकेशंस विच वी यूज to treat any and you know hypertensive patient. और combination pill का हमेशा ये फायदा होता है कि patient की adherence improve करती है. You know nobody likes to you know take 10 pills. तो अगर you know if she is taking a combination and
उससे ब्लड प्रेशर एडिक्वेटली कंट्रोल हो रहा है, देन इट्स अ वेरी गुड मेडिकेशन. सो इन द एंड मैं आपसे थोड़ी बहुत और चीज़ें यू नो बताना चाहूँगी हाइपरटेंशन के बारे में, यू नो अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ स्क्रीनिंग फॉर हाइपरटेंशन. सो यू नो एज आई सेड, हाइपरटेंशन के सिम्टम्स नहीं होते. सो एज लॉन्ग एज यू आर नॉट चेकिंग, यू वोंट नो इफ योर ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल और नॉट. सो यू नो हाउ फ्रीक्वेंटली शुड बी स्क्रीन, किसको स्क्रीन करें और कब कब स्क्रीन करें. सो यू नो दोज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस जो कॉमनली लोग पूछते हैं. सो यू नो बेस्ड ऑन गाइडलाइंस एंड यू नो माय पर्सनल ओपिनियन, मुझे लगता है एनीबडी हु इज अबव 18 इयर्स ऑफ एज, उनको यू नो ब्लड प्रेशर स्क्रीन करवाना चाहिए एटलीस्ट वंस अ ईयर. सो यू नो यू शुड गो टू अ क्लिनिक और केमिस्ट और एनी वेयर वेयर देयर इज अ ब्लड प्रेशर मॉनिटर. आपको साल में एक बार ज़रूर अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए. If you have any risk factors for hypertension, which would be, you know, if you're a diabetic, you're obese, you have chronic kidney disease, or, you know, you have family history or your elderly age. So, you know, as you age, your risk factor for developing hypertension increases. So if you have any of these risk factors, then you should get this screening done more frequently, at least like twice a year, this should be done. ideally जो ब्लड प्रेशर चेक करने का तरीका है वो भी मैं समझाना चाहती हूँ, बिकॉज कई बार होता है कि ब्लड प्रेशर अगर अप्रोप्रिएटली चेक नहीं किया गया या एक करेक्ट सिनेरियो में चेक नहीं किया गया, वी वुड फाइंड दैट इट्स हाई एंड देन यू नो हम उसको ट्रीट करते हैं, विच इज नॉट द करेक्ट थिंग एंड दैट लीड्स टू मोर हार्म देन बेनिफिट. सो आइडियली जब ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए, वी सजेस्ट कि आपको आधा घंटा पहले यू शुड नॉट हैव स्मोक्ड और यू नो कोई भी कैफीनेटेड ड्रिंक नहीं ली होनी चाहिए और एक्सरसाइज नहीं की होनी चाहिए. सो यू नो वंस यू चेकिंग ब्लड प्रेशर, एटलीस्ट 5 मिनट आपको आराम से रिलैक्स पोजिशन में बैठना चाहिए कुर्सी पे, जिसमें योर बैक इज वेल सपोर्टेड एंड योर आर्म इज सपोर्टेड एज वेल. सो जो ब्लड प्रेशर कफ है वो आर्म वाला यूज करना चाहिए, लाइक ब्रेकियल ब्लड प्रेशर कफ. रिस्ट कफ इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं देखा गया है इन स्टडीज दैट इट कोरिलेट्स विद योर एक्चुअल ब्लड प्रेशर. सो ब्लड प्रेशर कफ अप्लाई करें और डोंट टॉक टू एनीबडी, जस्ट सिट इन अ रिलैक्स पोजिशन एंड देन यू नीड टू टेक ब्लड प्रेशर रीडिंग्स. अगर आपके पास ऑटोमेटिक है दैट इज फाइन, मैनुअल if you're in a healthcare setting they usually check manual blood pressure, that is fine as well. So usually you should take 2 readings 1 minute apart. Agar 3 le sakte hain that's even better. So un teeno readings ka average banake you should write down, and just one elevated blood pressure reading doesn't mean that you're suffering from hypertension. Agar aapka usme blood pressure high aata hai, then you know typically I would suggest कि आप थोड़े दिन घर पे अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर्ड करें. यू नो जो होम ब्लड प्रेशर है और what we call as ambulatory blood pressure, that more so correlates with your you know actual blood pressure, and that has been correlated with you know cardiovascular outcomes compared to clinic blood pressure. Clinic में blood pressure typically when you know बड़ा आता है and that's not always accurate. So काफ़ी studies में देखा गया कि clinic में blood pressure almost 40 point तक बड़ा आता है. So अगर आप किसी hospital में गए हैं, उन्होंने blood pressure check किया and it is high, then I would suggest कि आप अपना monitor लें, कोई भी automatic monitor, and घर पर regularly अपना blood pressure monitor करें. There is another way to check blood pressure which we call as 24-hour ambulatory blood pressure monitoring, जिसमें हम patient का blood pressure cuff लगा देते हैं arm पे and then we check you know blood pressure every half an hour or 15 minutes during day and every half an hour at night. So उससे हमें you know 24 hours में आपका blood pressure कैसे रह रहा है, क्या रात को आपका ब्लड प्रेशर गिरता है, विच इज नॉर्मल एंड विच इज अ गुड थिंग अगर रात को ब्लड प्रेशर कंपेयर टू डे टाइम कम है तो.
So all those things we can see in that 24-hour blood pressure monitoring. So that's another way to diagnose high blood pressure. But if you have high blood pressure, then you would need lifestyle modifications for sure. And in addition to that, medications, depending on kitna high aapka blood pressure aata hai. So with that, I would like to take few more questions. Next question hai Amardeep Singh ne. So what are the health problems associated with high blood pressure? So maine apni talk ke starting mein bhi thoda bahut isko briefly describe kiya tha. So high blood pressure is associated with a lot of diseases, heart diseases, brain diseases, kidney diseases. So mainly ये आपके cardiovascular diseases बढ़ाता है. So that is stroke, जो कि ischemic stroke भी हो सकता है या brain hemorrhage, hemorrhagic stroke. Then it also leads to heart attack or heart failure. Both of these have been linked with high blood pressure. Then kidney disease, chronic kidney disease, which can eventually lead to end stage renal disease. Fourth being peripheral vascular disease, like the vessels supplying your feet and arms, they are the blood supply is less, so that has been associated with high blood pressure. So it's a very big preventable cardiovascular disease. You can reduce your cardiovascular disease risk with controlling your blood pressure. Somebody is asking me which blood pressure monitor is best. So you can I don't promote any particular brand, but aap koi bhi jaise automatic blood pressure monitor hota hai, as I said, jo arm wala cuff hota hai, that is better than the wrist cuff. And whichever monitor you purchase, make sure you bring it to your doctor, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हम आपका मॉनिटर कैलिब्रेट कर देते हैं. सो वी कंपेयर योर ब्लड प्रेशर ऑन द हॉस्पिटल बीपी मॉनिटर एज वेल एज योर ब्लड प्रेशर मॉनिटर. इन दैट वे वी आर एबल टू फाइंड आउट. यूजली थोड़ा बहुत डिफरेंस इज फाइन. अगर ज्यादा डिफरेंस है, इन दैट केस इट नीड्स टू बी कैलिब्रेटेड. सो विच एवर वन यू परचेज, यू जस्ट नीड टू मेक श्योर इट्स कैलिब्रेटेड. The other question is from Ms. Mala Gandhi. So she is asking, how can we control high blood pressure? So high blood pressure control karne ka, it's a dual approach. Number one is lifestyle modification, jo ki main dobara se emphasize karungi, which includes weight loss, low salt diet, diet rich in fruits and vegetables, low salt diet, not consuming excessive alcohol, and doing a good amount of exercise every day. Kam se kam aadha ghante ke exercise every day. And second thing being medications. Number most important thing is to, number one, diagnose that you have high blood pressure, and second is work towards controlling it with lifestyle modification as well as medications. So बिफोर आई क्लोज दिस सेशन, मैं एक और चीज बताना चाहूंगी कि काफी पेशेंट्स को मुश्किल लगता है कि वंस दे आर डायग्नोज विद हाइपरटेंशन, दे यूजुअली आस्क कब तक दवाई चलेगी, हाउ लॉन्ग डू आई नीड टू टेक माई एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन. एंड फॉर मेजोरिटी ऑफ देम द आंसर इज यू नीड टू टेक इट लाइफ लॉन्ग. सो जो बहुत बड़ा चैलेंज लगता है लोगों को कि व्हाई आर दे टेकिंग दिस मेडिकेशन लॉन्ग टर्म, एंड एट टाइम्स दे फील लाइक ब्लड प्रेशर जब हाई भी होता है, दे जस्ट फील फाइन, दे आर नॉट एबल टू सी द इम्पोर्टेंस कि वो लॉन्ग टर्म ऐसी मेडिकेशन क्यों ले. सो मैं उन सब पेशेंट से यही बताना चाहूंगी कि इफ दे आर कंट्रोलिंग देयर ब्लड प्रेशर एडिक्वेटली, वो अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं. इट्स लाइक सिमिलर टू बाइंग अ हेल्थ इंश्योरेंस फॉर देमसेल्व्स. अभी आपको इमीडिएट बेनिफिट नहीं दिख रहा, बट टू इम्प्रूव योर लाइफ, डिक्रीज द इंसिडेंस ऑफ स्ट्रोक, हार्ट अटैक, किडनी डिजीज, इफ यू आर टेकिंग अ मेडिकेशन रेगुलरली एंड यू आर कंट्रोलिंग योर ब्लड प्रेशर,
you're buying, a longer, healthier life for yourself. So although it is tough, but आप यही सोच के अपनी medicine या जो भी doctor ने आपको prescribe किया है lifestyle modification वो सब करते रहें, so that your blood pressure remains controlled and healthy forever. For any other questions, feel free to contact me on the link below. Thank you so much for asking all these questions and attending my live session. Take care.